फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Redmi 13C Android मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन के रिफ्रेश रेट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग के इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, ये डिस्प्ले का, इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है रिफ्रेश रेट का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में देखिए, आपका ये पहले से डिफॉल्ट के आगे राइट टिक लगा हुआ रहता है, तो आपको नीचे की साइड एक कस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब नीचे आपको रिफ्रेश रेट का ये ऑप्शन दिखाई देगा, रिफ्रेश रेट पे सेलेक्ट करना है। अब ये पेज आएगा छोटा सा, इसमें दो ऑप्शन है, ये 60Hz का और ये 90Hz का, तो आपको इसे 90Hz के ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है, तो रिफ्रेश रेट के सामने 90Hz लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके फोन का रिफ्रेश रेट बढ़ जाता है। अब देखिए, रिफ्रेश रेट बढ़ाने से होता क्या है कि आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना, ये और भी ज्यादा स्मूथ काम करने लग जाती है, यानी पहले से भी और भी ज्यादा स्मूदर हो जाती है आपकी फोन की स्क्रीन स्क्रोलिंग वगैरह करने में। ठीक है,